शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कम्युनिटी बाजार कैसे शुरुआत करता नजर आ रहा है। स्टार्ट करेंगे यहां पे गोल्ड और सिल्वर से नॉन एग्री कम्युनिटीज में। और नॉन एग्री कम्युनिटीज पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सीवी पर। नमस्कार अजय जी। अजय जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है पिछले 2 से 3 दिनों से देख रहे हैं कि काफी नरमी वाली रही है। ऊपरी स्तर देखने तो तुम थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन रिकवरी के बाद देखने नरमी वाला मोड भी देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट दोनों भी सोना चांदी में गिरावट है, तो क्या आगे भी मार्केट ऐसी रहने वाली है? देखिए, सोने चांदी में अगर हम देखें तो काफी फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। पहला है सोने में, नो डाउट 2 दिन में हमने गिरावट आते हुए देखी है, बट अभी भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा वीकली हमने सोने में आते हुए देखा है 2020 के बाद। पहला चीज आप समझिए कि जो वॉर प्रीमियम है वो कम हो गया है, लड़ाई का जो माहौल था वो पीस टॉक में बदल चुका है, जिसके चलते सोने में हमने एक पुलबैक आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में बोल सकते हैं ईयर एंडिंग भी है, जिसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग था। तो टाइमिंग मुझे लगता है इंटरनेशनल में जब तक सोना $1920 के ऊपर मेंटेन है, हमारे यहाँ पे अगर हम जूम वाइडे की बात करें 51,000 या 50-500 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चली। क्योंकि देखिए, यूक्रेन और रशिया का सॉल्यूशन निकला है, अभी बात कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ ये बाकी है। साथ में हमने सऊदी और यहूदी में भी जो कंसर्न देखा वो भी कंटिन्यू है, और सबसे बड़ी चिंता जो है वो है इन्फ्लेशन। आज भी क्रूड $100 के ऊपर मेंटेन है, ऑक्सीजन से पेट्रोल डीजल बढ़ रहे, ये कहीं ना कहीं महंगा ही और बढ़ाएगा। इन सबको देखते हुए लगता है कि जो मार्केट में गिरावट आया है ये टेम्पररी गिरावट है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म सोने में अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा बहुत गिरावट अगर जून वायदे में अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 51,400-500 भी मिले, लेके चले 51,850 का टारगेट। लेकिन अगर 2 महीने की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस फिर से 53,000 का लेवल तोड़ते हुए दिखाई देगी। जी अजय जी, बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड में देख रहे हैं कि आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 6-6% की गिरावट WTI ब्रेंट में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है ये जो गिरावट आई है इसके पीछे के कारण क्या क्या है, और आगे अब क्रूड का बाजार क्या ऐसी मंदी वाला रहने वाला है? देखिए, क्रूड में भी मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है उसके 2 मुख्य कारण है। पहला है US ने कहा है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कुछ पोजीशन खाली करेंगे, मतलब बेचेंगे, जिसके चलते हमने देखा कि प्राइजेस को एक बेनिफिट, प्राइजेस में एक गिरावट आया है। बट दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे आगे तेजी का रुख लग रहा है वो है कि अभी भी जो सप्लाई डेफिसिट है वो काफी हाई है। ईरान, ईरान, वेनेजुएला, यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, बट आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें कोई बड़ा गेंस हुए नहीं है, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो सप्लाई डेफिसिट है वो कंटिन्यू रहेगी। नोट ऑफ थोड़ी गिरावट हमने देखा कि दिन दिन से चाइना के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न दिखाता है। बट इन ऑल मुझे लगता है कि प्राइवेट के अंदर क्योंकि रशिया ने अभी भी गैस और तेल देने के लिए कंडीशन रखी, या तो रूबल में पेमेंट करो या गोल्ड में करो। नो डाउट अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए अच्छे डिस्काउंट पे इंडिया को, चाइना को माल भी दिया जा रहा है, तो टेम्पररी हो सकता है $100 का लेवल हम ब्रांड में देख पाए, बट कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी क्रूड में। 7200 का लेवल एमसीएक्स में देखने के बाद मार्केट में फिर से एक अच्छी खासी तेजी बढ़ते हुए दिखाई देगी। जी सर, जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो देख रहे हैं कि जब से चाइना में लॉकडाउन लगा है तब से बेस मेटल्स में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या
बेस मेटल्स में अभी ऐसी नरमी वाला रुझान रहेगा या फिर आगे तेजी भी बनेगी? देखिए बेस मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप समझिए पिछले डेढ़ दो सालों में जो तेजी आई है डिमांड के मुकाबले सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से ज्यादा तेजी आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल मार्केट को हिट कर रहा है, जिसके चलते एल्यूमिनियम जिंक इनमें हमने जबरदस्त तेजी देखी है। साथ में नो डाउट कोरोना के कंसर्न की वजह से चाइना में जो लॉकडाउन 9 दिन का अनाउंस किया है, इसके चलते डिमांड में थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर है, लेकिन ओवरऑल अभी की तेजी का रुख बन रहे हैं वो सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से बना। इन्वेंट्री आप देखिए मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुकी है, रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुकी है। एल्यूमिनियम में भी तेजी जो बनी है, ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, यूक्रेन और रशिया के कंसर्न की वजह से निकल में ऑलरेडी हमने $1,00,000 का लेवल देखा है। ब्रिक्स ने जिंक के जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ाकर $3,500 तक कर दिया है। तो मुझे लगता है पहला चीज सबसे पहले बेस मेटल के लिए समझना है सप्लाई डिस्टर्बेंस है, आगे जाके हो सकता है अगले 2 महीनों के अंदर सप्लाई इंप्रूव होगी, बट जैसे जैसे सप्लाई इंप्रूव होगी डिमांड भी इंप्रूव होगी। इकोनॉमी को अगर पटरी पर लाना है तो कंजम्पशन बढ़ेगा और चाइना ने भी काफी पॉलिसी चेंजेस की है, तो मुझे लगता है कि टाइमली मार्केट कंसोलिडेशन तेज है। इनके अंदर आपको कमोडिटी चुनकर निकालनी पड़ेगी, जैसे लैंड की बात करें तो पिछले 6 महीने में 180 के नीचे नहीं गया, 190 के ऊपर नहीं गया, तो बिल्कुल रेंज में चल रहा है, जबकि जिंक के अंदर लो इन्वेंट्रीज और पॉजिटिव आउटलुक के चलते इस वक्त अंदर 340 के आसपास हम देख रहे हैं, तो ऊपर में मुझे लगता है कि ये 370-380 का लेवल भी दिखा दे। कॉपर भी 800-850 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छी कमोडिटी मुझे लगती है एज ऑफ नाउ एल्यूमिनियम, जहां पे उम्मीद है 320 तक के भी लेवल दिखा दे। आई थिंक पूरी बेस मेटल टाइप में रिकवरी आगे शानदार रहेगी क्योंकि इन्वेंट्रीज काफी कम है। हाँ थोड़ा बहुत कोरोना का कंसर्न जरूर है, बट ओवरऑल सप्लाई डिस्टर्बेंस जो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से वो पूरी बेस मेटल टाइप को सपोर्ट करती दिखेगी। जी अजय जी, नॉन एग्री में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी? नॉन एग्री के अंदर वैसे तो एनर्जी पैक मुझे काफी अच्छे लगते हैं, बट जिस दिन से वॉलिटी बनी हुई है तो इससे अवॉइड कीजिए। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एल्यूमिनियम काफी अच्छा लगता है, जो 320 के लिए ओवरऑल लिया जा सकता है जब तक प्राइस 275 के ऊपर मेंटेन है। वही सबसे अच्छा मुझे 2 आइटम लगते हैं, वो है सोना और चांदी। जो करेक्शन आने थे वो दोनों में हमने आते हुए देख चुके हैं। टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर मामूली पुलबैक और भी मिलता है तो मुझे लगता है चांदी 66,000-66,500 के करीब लेके चला जा सकता है। जो अपसाइड में मुझे लगता है कि करीबन 72,000-74,000 इमीडिएट मतलब अगले 1.5-2 महीने में बिता सकता है। वही सोने में भी जब तक 45,000-50,000 के ऊपर मेंटेन है अपसाइड काफी इंटैक्ट है। जो हाई साइड में 53,000-53,000 का इमीडिएट टारगेट, ओवरऑल साल के अंत तक मुझे लगता है 60,000 तक का भी लेवल दिखा दे तो सोने चांदी का अभी भी लिया जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अजी जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिनौला खल से। अजय जी, अगर बिनौला खल की बात की जाए एग्री कम्युनिटीज के अंदर, तो हमने बिनौला खल में 3300 के ऊपर के टारगेट्स भी लगते हुए देखे थे, फिर से तेजी आते हुए देखी थी, लेकिन देख रहे हैं कि फिर से बिनौला खल ने अब 3100 वाला लेवल पकड़ लिया है। आपको क्या लगता है, क्या अब बिनौला खल में जितनी तेजी आनी थी आ चुकी है या फिर अभी भी यहाँ से बिनौला खल तेजी की ओर जाएगा? देखिए मुझे पहला चीज है, मैं काफी जन से बात करता हूँ, सब कहते हैं बिनौला खल मंदी है। आप ये देखिए पिछले 3-4 महीनों के अंदर कभी भी हमने बिनौला खल में कोई बड़ी फॉल नहीं देखी है। 2450 रुपए से चलकर 3400 का भाव मारने के बाद 3100 के इर्द गिर्द मार्केट काफी टाइम से चल रहा है। तो पहले भी अगर कोई मंदी बोलता तो मुझे इसका कारण बताइए, कोई भी 3 कारण ये छोड़ दीजिए कि डिमांड नहीं है मार्केट पे। अब आप देखिए धीरे धीरे दूध के भाव बढ़ रहे हैं, अप्रैल में रिकॉर्ड 25 लाख का भी है जहां पे डेली इंडस्ट्री डिमांड भरपूर है। SMP स्किम मिल्क पाउडर इनके प्राइस चाहे इंडिया हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट में तो इंपैक्ट करीबन पिछले 1 क्वार्टर के अंदर नाना करके भी 40-45% की तेजी बनते हुए देख ली है हमने। तो आई थिंक मार्केट में अभी जो कल लोअर सर्किट लगा था ये जस्ट ईयर एंड का एक एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि कॉटन के प्राइस देखिए 140 सेंट के ऊपर जा चुके हैं, दूध के भाव बढ़ रहे, चाहे हम राजस्थान की बात करें मध्य प्रदेश सभी स्टेट के अंदर 1 मार्च से भी दूध के भाव बढ़े, 1 अप्रैल से भी दूध के भाव बढ़ रहे जी बता रहे हैं। बाकी खल की बात करें तो इनमें भी तेजी आना चालू हो चुका है, चाहे मक्का सोया
तीन सौ रुपए की केजी। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जो है वो कॉटन सीड ऑयल के इस वक्त भी 3000 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। हाँ, पहले भी मैंने रेंज बताया था 3000 से 3400 उसी रेंज में है, बट जिस दिन भी ये 3400 के ऊपर या 3350 के ऊपर क्लोजिंग कर दी 3650 का लेवल आराम से दिखा देगा। बट ध्यान रखिए 15 अप्रैल को एक बार फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए, बट 15 अप्रैल तक 12-15 अप्रैल तक मुझे तेजी का ही रुख दिखाई दे। जी यही सर जी, बिनौला खल के साथ साथ बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने विदेशों में भी और घरेलू आयात में दोनों में ही जगह तेजी बनते हुए देखी है। आपने कहा था कि 44,000 तक का लेवल दिखा देगा, 43,000 के अबव हम ऑलरेडी कॉटन को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं और बहुत ही जल्द ऐसा लग भी रहा है कि 44,000 का स्तर भी दिखा देगा। लेकिन क्या कॉटन में उसके ऊपर भी लेवल देखने को मिल सकते हैं? क्या 44,000 के भी पार कॉटन की कीमतें जाती नजर आ सकती हैं? देखिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कॉटन में, अभी तक मैंने कोई भी चैनल पे बताया नहीं है, ये हम लोग एक एआरटी एनालिसिस करेंगे पूरे साल के लिए रहता है, बट ये एक प्रिलिमिनरी रिसर्च रिपोर्ट से है जो मैं सबसे पहले आपके चैनल पे बताता हूँ। पहला चीज समझिए कि हमने जब तेजी बताई थी 97 सेंट से एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था, जिसका टारगेट करीबन 140 का हमने कंजर्वेटिव 136 सेंट का लिया था, वो अचीव हो चुका है। इसी को एक्सट्रापोलेट करें तो 153 सेंट तक का लेवल दिख रहा है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है 45-46 बहुत हाई साइड है, बट आप 45 आपको देखने मिल जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है 12 से 15 अप्रैल, 12-15 अप्रैल तक मैक्सिमम जो हाई मारना है वो मार देगा, इसके बाद मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट ध्यान रखिए, लोगों की धारणा यह है कि इस बार कॉटन में बंपर स्विंग होने वाली, इसको बिल्कुल रिव्यू कर लेना वापस, बंपर स्विंग नहीं हो सकती। कारण यह है 24 फरवरी से लेकर अभी तक जो यूक्रेन और रशिया में लड़ाई का माहौल बना है, जिसकी वजह से काफी ऐसी कमोडिटीज है जो मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गई है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सोयाबीन, वीट, बार्ले, इनके यहाँ पे अगर हम देखिए भाव तेज होने की वजह से जो फार्मर थे इनका रुझान इन कमोडिटीज पे ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। कॉटन में भी एरिया बढ़ेगा, लेकिन कोई डबल नहीं होने वाला, कोई ट्रिपल नहीं होने वाला। तो टाइमिंग मुझे लगता है जो स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि काफी ज्यादा एरिया बढ़ेगा, ये मात्र एक ऐसा कारण है। साथ में गवर्नमेंट के कुछ एक्शन हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इम्पोर्ट्स के ऊपर, ये सबको देखते हुए एक बार हो सकता है टेक्निकली कि प्राइजेस 3100-3200 का लेवल दिखा दे 45,000 दिखाने के बाद, लेकिन ये एक्स्ट्रा फिगर। बट अगर ध्यान रखना, मई से पहले अगर ये 3100 का लेवल नहीं तोड़ा और मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट ले गया, तो आप इंटरनेशनल में $2 जो 2012 में हमने देखा था, $2 200 सेंट का लेवल हम देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से करीबन मिनिमम 70-72,000 का लेवल भी तोड़ देगा। ये अगले सीजन की बता रहा हूँ, बिकॉज मानसून पे भी नजर रखिए, क्योंकि अभी तक IMD क्लाइमेट के प्री अपडेट जो आए हैं वो नॉर्मल बता रहे हैं मानसून, पर आप देखिए प्री मानसून के अंदर डेफिसिट बहुत ज्यादा है, और ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते रिलीज हुई है। साथ में जर्मन कंपनी है जिसका एक स्टडी ये भी आया है कि इस बार इंडिया में मानसून कमजोर हो सकता है। अभी मानसून का स्पेकुलेट करना काफी जल्दी है, 15 अप्रैल तक अगर ये 400-500 चीजें अगर इनलाइन हो जाती है, तो मुझे लगता है 15 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में एक बड़ी गिरावट दिखाई देगा। सबका एक्सपेक्टेशन है बंपर स्विंग को लेकर, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बंपर हो, 10% से आज से 10% से ज्यादा की स्विंग ग्रोथ नहीं हो सकती। और ये एक मुख्य कारण रहेगा कि ग्लोबल बैलेंस की अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन मात्र थोड़ा बढ़ा है, बट कंजम्पशन भी बढ़ा है, और अगले साल जो डेफिसिट है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाइना का स्टेट रिजर्व अपने निचले स्तर पे है पिछले 5 सालों में, और ये सब फैक्टर मुझे लगता है अक्टूबर तक जब नया माल आएगा उससे पहले पहले करीबन 200 सेंट का लेवल हम इनका रास्ते में टेस्ट कर पाएंगे। जी ये सर जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो हमने एडिबल ऑयल में देखा है कि रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से भारत को, इंडिया को रशिया से ऊंची कीमतों पर सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ा है, और अभी भी जो कुछ तेल है, जो सनफ्लावर तेल है लगभग 3,00,000 टन के करीब, वो भी वहाँ पे पोर्ट्स पर अटका हुआ है, और सरसों की भी इस बार बंपर प्रोडक्शन देख रहे हैं, बंपर आवक के हैं मंडियों के अंदर, तब भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं, तो ऐसा में आपको क्या लगता है, क्या आगे भी एडिबल ऑयल का जो बाजार है वो तेजी रहने वाला है?
बिल्कुल देखिए, एडिबल ऑयल में डबल मार है। पहला आप समझ के चलिए, जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी आई है, बायोफ्यूल की डिमांड मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है। सेकेंडली अगर हम देखें इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ पे भी हमने फेवर करने आते हुए देखी है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे सर्जन का पोस्ट पैंडमिक अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल को कंटिन्यू तेजी ही रखेगा। तो ओवरऑल मेरी सलाह है कि टाइमिंग जून तक का मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट के अंदर ये जो तेजी का रुख है वो कायम रहेगा। जी अजय जी, बात करें यहाँ से अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी हमने धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ तेजी आते हुए देखी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस धीरे धीरे तेजी के बीच ग्वार गम ग्वार सीड में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है बीच बीच में? नहीं, मुझे लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम वन साइड तेजी करता हुआ दिखाई देगा। नॉट ऑफ पिछले दो दिन में हमने जो कंसोलिडेशन देखा या ड्रॉप देखा है, दैट इज ईयर एंड एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से प्राइस में थोड़ी गिरावट आई है। आप ध्यान रखिए 6550 का इमीडिएट एक हर्डल है। एक बार प्राइस 6550 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, जो ऊपर में 8000 तक का भी लेवल गवासी में दिखा सकता है। आप समझिए, जब तक यूएस प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें नहीं कर रहा था, तब तक गवार में भी साइड वे टू नेगेटिव था। बट अब जिस ढंग से यूएस ने बोला है कि हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और उम्मीद है 13 मिलियन बैरल तक का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, पिछले साल के मुकाबले रुपए में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी है, जिसके चलते हमारे यहाँ पे जो प्राइसिंग जो हाई बोल रहे थे वो अब काफी लुक्रेटिव लेवल पे पहुंच चुकी है। ये सब को देखते हुए मुझे लगता है अगले 3 महीने के लिए सबसे बेहतरीन कमोडिटी जो रहेगी वो गवार रहेगी। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।